काइजर, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉस सेंटोस के बहुत सारे लोग मेरे से पैसा मांगने आ चुके थे। मैंने जहाँ जहाँ से लोन ले रखे थे वो सारे के सारे लोग आ गए पैसा मांगने, और मैं लोन नहीं दे पाया, इसलिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी। इसलिए शिनचैन और मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों लॉस सेंटोस छोड़ के जिस शहर में हम पहले रहते थे हम वहां पर जाके रहने वाले। तो उसके बाद हमने बुलाई टैक्सी और हम लॉस सेंटोस छोड़ के चले गए, और फिर पुराने वाले शहर में जाके हमने खोला अपना नया नया सुपर मार्केट। शिनचैन और मैं इस सुपर मार्केट में काम करने वाले जब तक हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं हो जाते। 1 करोड़ रुपए होते ही हम वापस से लॉस सेंटोस में आ जाएंगे। तो कल था हमारा डे 1 सुपर मार्केट का। आज भी हमें बहुत सारा काम करना है और अपने सुपर मार्केट को ग्रो करना है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। अरे काइजर, मैं शिनचैन के चक्कर में आज तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, मैं अपने सुपरमार्केट को नहीं खोल पाया। अरे विक्की, मैं इसमें मेरी क्या गलती है? अबे शिनचैन के बच्चे अलार्म क्यों खा गया था? रात को ये अलार्म चाट रहा था, उसके वजह से मेरा पूरा अलार्म खराब हो गया और फिर सुबह में जल्दी उठ नहीं पाया। तो फटाफट से अपने स्टोर को कर देते ओपन। तो काइजर, आप सबका स्वागत है डे 2 पर। आज हमारा डे 2 हमारे सुपरमार्केट का, और यहाँ पर अभी स्टोर अपना ओपन हो चुका है, और ये क्या, सबसे पहला कस्टमर भी आ चुका है। हेलो सर, आज आप हमारे सबसे पहले कस्टमर हो, इसलिए हम आपको डिस्काउंट देंगे पूरे 1 रुपए का। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फटाफट से। अरे विक्की भैया, इन्होंने तो सूसु लिया है, सुबह सुबह इन्होंने सूसु यहाँ पर ले लिया है। इस सूसु का मतलब है शुगर। तो फटाफट से यहाँ पर लेते हैं $14 और यहाँ पर डन। थैंक यू अंकल आने के लिए, ये था हमारा आज का सबसे पहला कस्टमर। हमारा स्टोर कितना बढ़िया लग रहा है। अरे विक्की मैं दीदी। हेलो दीदी, हमारे स्टोर में आइए, आपके लिए डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। ओके, सारा डिस्काउंट मिलेगा ना? अरे ओ, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा शिनचैन, नहीं तो तू सबको दीदी को मत बुलाया कर। ये शिनचैन जब देखो जब दीदी को बुलाता रहता है। हेलो दीदी, कैसे हो? फटाफट से इनका ये ऑयल लेते हैं, इनका कैश ले लेंगे और इनको $1 इनका चेंज दे देंगे। अरे भाई साहब, कल आपकी ब्रेड तो बहुत ही अच्छी निकली थी, इसलिए आज वापस आ गया। आइए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आने के लिए। एक सेकंड, अभी उन अंकल ने बोला हमारे पास ब्रेड भी खत्म हो चुकी है, तो हमको ब्रेड ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो फटाफट से अपन ब्रेड ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ पर कार्ट में जाएंगे और परचेज डन। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पर ब्रेड ऑर्डर कर दिया, आप देख सकते हो ब्रेड हमारी इतनी जल्दी आ भी गई है। तो फटाफट से ब्रेड यहाँ पर पूरी की पूरी लगा देंगे। इस बॉक्स को जाएंगे सीधा कचरे में फेंकेंगे, एक और डब्बा उठाएंगे और जितनी ब्रेड से वो सारी की सारी यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस, हमारा ब्रेड हमने वापस से पूरा का पूरा रिफिल कर दिया, और यहाँ पर एक और कस्टमर आ चुका है। फटाफट से इनको करते हैं, हम इनका सारा सामान ले लेते हैं और इनको इनका चेंज दे देते हैं। तो गाइस सर, अभी मुझे अपना स्टोर थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे एक लाइसेंस लेना है। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो मुझे ये वाला लाइसेंस लेना है, प्रोडक्ट लाइसेंस, जिसमें हम पानी की बोतल, चीज, कॉफी, एग्स, मिल्क और टी रख सकते हैं, मतलब चाय रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए $200 और हमारा स्टोर लेवल होना चाहिए 3। अभी हमारा स्टोर लेवल है 2 और ना ही मेरे पास $200 है, तो हमें जल्दी से वापस स्टोर खोलना पड़ेगा। तो आज हमें कैसे भी करके ये खतरनाक सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, उससे हम फिर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी बेच सकते हैं और फिर अपने स्टोर को भी बड़ा कर सकते हैं। अब हम अपने लिए काम करने वाले भी रख सकते हैं, स्टोरेज बड़ा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, पर उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और बहुत सारी लेवल्स भी। एक सेकंड, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? आइए सर, टकले अंकल। टकलू अंकल, आपका स्वागत है, आपका हमारे स्टोर में स्वागत है, स्वागत है। अबे शिनचैन इतना मत बोल, तू कैसे फटाफट से इनका लेते हैं। थैंक यू सर आने के लिए, यहाँ पर इनको फटाफट से इनका चेंज देंगे, इनको भी फटाफट सारा सामान ले लेंगे, इनका कार्ड लेंगे, यहाँ पर $19, थैंक यू सर आने के लिए। और गाइस सर, मैंने अभी अभी देखा हमारा कुछ तो खत्म हो गया, रुक जाओ जल्दी से जाना पड़ेगा, हमारी सूसु खत्म हो गई। अरे विक्की मैं, वो आपकी सूसु है, हमारी नहीं। अबे मतलब वो यार, जल्दी से यहाँ पर अपन सूसु मंगा लेते हैं, अभी हम ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। एक सेकंड, कस्टमर आ गया है, यहाँ पर इसका लेंगे, थैंक यू सर आने के लिए। जल्दी जल्दी जाके सारा सामान उठाते हैं, हमारी सूसु यहाँ पर आ चुकी है। ये पाउडर्ड शुगर है, पर इसका नाम सूसु है तो बोलना ऐसे ही पड़ता है। तो यहाँ पर फटाफट से वापस डालेंगे डस्टबिन में। तो काइजर, दिन की 3 बज चुकी है, पर यार ज्यादा कस्टमर भी नहीं आए, आज हमें कैसे भी करके लाइसेंस लेना है। अरे विक्की मैं, रुको मैं कस्टमर बुलाता हूँ। स्टोर में। और ये क्या शिनचैन, तेरे बोलने से तो आ गया, रुक जाओ यहाँ पर कस्टमर आ गया। फटाफट से लेते हैं इसका कार्ड और $14, और ये डन, थैंक यू सर आने के लिए। यहाँ पर चौको बीज इन्होंने ले ली, वापस से कार्ड लेंगे $12, थैंक यू सर। अरे दीदी भागी, अरे शिनचैन का गाना तो यार यहाँ पे काम कर रहा है, इनको यहाँ पर इनका पूरा का पूरा चेंज दे देते हैं। ये लो आंटी चेंज, थैंक यू आने के लिए। क्या हमारे पास कुछ खत्म हुआ है? ऑयल खत्म हो गया, रुक जाओ जल्दी से ऑयल मंगवाना पड़ेगा, परचेज करेंगे। मैं सब चीजें एक एक मंगा रहा हूँ, जब खत्म होगी तब ले लेंगे। यहाँ पर चौको भी, थैंक यू अंकल।
थैंक यू अंकल आने के लिए। फटाफट से बाहर अपनी ऑयल की डिलीवरी आ चुकी है, इसको उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस हमारा सुपर मार्केट का काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। जिस दिन हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, वापस से लॉस सैंटोस जा पाएंगे। वो टाइम कब आएगा वो तो पता नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ $180 है और लाइसेंस लेने के लिए हमें चाहिए $200 और हम स्टोर लेवल 3 पर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बस हमें $12 और चाहिए, फिर हम अपना लाइसेंस खरीद पाएंगे। जल्दी जल्दी आंटी $12 का कुछ खरीद लो ताकि मैं लाइसेंस खरीद पाऊँ। आंटी सारी की सारी ब्रेड ले लो और चोको भी ले लो और थोड़ा तेल भी ले लो और सोसो भी और पास्ता भी। हाँ शिनचैन तेरे तो सभी ले लेंगे, वो ब्रेड ले ली चोको भी ले ली इनका कार्ड लेंगे और यहाँ पर $14 और गाइस हमारे पास $200 हो चुके हैं। सबसे पहले अपने स्टोर की लाइट चालू कर देते हैं और ये कस्टमर्स यहाँ पर आ चुके हैं। रुक जाओ, यहाँ पर इनके लिए ऑयल कार्ड $1, थैंक यू। आप बोलिए सर, ये इनका ये कार्ड यहाँ पर लेंगे $16, डन, थैंक यू। तो गाइस हमारे पास $200 हो चुके, तो फटाफट से चलते हैं और खरीद लेते हैं अपना खतरनाक सा प्रोडक्ट लाइसेंस। तो गाइस हमने यहाँ पर खरीद लिया है और गाइस अभी आपको दिखाता हूँ हमारे मार्केट में बहुत सारी चीज आ गई है। पहले हमारे पास सिर्फ 6 चीजें थी पर अभी बहुत सारी आ चुकी है। पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, $27 में मैं बहुत कम चीजें खरीद पाऊंगा। तो फटाफट से पहले इनको यहाँ पर दे देते हैं कैश, देंगे $1, थैंक यू। और गाइस अगर हमें अपनी पानी की बॉटल रखनी है तो हमें पहले फ्रिज भी चाहिए होगा जो कि है यहाँ पर $200 का, तो अभी हम ये तो नहीं खरीद सकते। और चीज भी हमें फ्रिज में डालना है, कॉफी हम अभी मंगा सकते हैं, चाय अभी मंगा सकते हैं और कुछ भी नहीं मंगा सकते, कॉफी और चाय मंगा सकते हैं, बाकी सब चीजों के लिए फ्रिज चाहिए और फ्रिज के लिए चाहिए $200। तो फटाफट से यहाँ पर लेंगे इनकी कार्ड लेके $9, थैंक यू सर। और गाइस ये आज का आखिरी कस्टमर होने वाला है, उसके बाद हम आज के लिए स्टोर को बंद करेंगे और बाकी सारी चीजें अरेंज भी कर देंगे। इनका कार्ड लेते हैं $12.50, थैंक यू सर। अरे एक कस्टमर आ गया, रुक जाओ जल्दी जाके बाहर से क्लोज कर देते ताकि ये वाला कस्टमर लास्ट होए। 1, 2 कार्ड दो सर, $7.50, थैंक यू सर। तो गाइस ये था हमारा आखिरी कस्टमर आज का, हमारा स्टोर आज के लिए होता है क्लोज। पर उससे पहले हम थोड़ी से अपने लिए क्या मंगाया जाए, ये चाय और कॉफी तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, इसको अभी छोड़ते हैं। पर मैं अपनी सारी चीजों के प्राइस बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो $5 की हम करेंगे ब्रेड, $5 का हम कर देंगे तेल और ये पास्ता हम कर देते हैं $4, ये पास्ता हम करने वाले हैं $4 का और शुगर पाउडर हम करेंगे $5.50 का क्योंकि हमें ज्यादा पैसा कमाना है। तो लेट्स गो, ये सब का सब डन हो चुका है, आज के दिन को यहाँ पर करते हैं खत्म। तो गाइस आज हमारे टोटल 18 कस्टमर्स आए थे, उसमें 17 कस्टमर्स उनका सामान मिल गया, एक को नहीं मिला था और हमारी इनकम थी $222 और हमारा टोटल प्रॉफिट -$39 हो चुका है क्योंकि हमने $200 का वो लाइसेंस लिया था। चलो अगले दिन पर चलते हैं। तो गाइस आप सबका स्वागत है हमारे Day 3 में, अभी अपने स्टोर को खोलने वाले और हमारा Day 3 है और आज हमें कैसे भी करके कॉफी और चाय खरीदनी है, उसके बाद अपना फ्रिज भी खरीदेंगे। हाँ गाइस हमें अपना फ्रिज भी खरीदेंगे पर अभी अपना स्टोर ओपन हो चुका है, हमारे पास ऑयल थोड़ा कम है, बाकी सारी चीजें तो अभी हमारे पास है ही। एक सेकंड, हमारी चोको बीज तो अभी की पूरी खत्म हो चुकी है तो थोड़ी सी चोको भी मंगा ली जाए, यहाँ पर जाएंगे कार्ट में परचेज, थैंक यू। एक काम करते हैं कॉफी भी मंगा ही लेते हैं, रुक जाओ मेरे पास कॉफी मंगाने की तो पैसे ही नहीं है, छोड़ो बाद में मंगाएंगे। यहाँ पे फटाफट से सारी की सारी चोको बीज लगा देते हैं, कहाँ लगाई जाए यहाँ पर लगा देते हैं चोको बीज। तो गाइस चोको बीज हमारी लग चुकी है और आज का हमारा सबसे पहला कस्टमर भी आ चुका है। हेलो सर, आप हमारे आज के सबसे पहले कस्टमर, $14 इनका था। तो गाइस फटाफट से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हमने सुपरमार्केट को क्लोज कर दिया है क्योंकि हमारे पास हो चुके हैं $224 और उससे हम खरीदने वाले हैं अपने लिए खतरनाक सा फ्रिज। पर अगर मैंने अभी फ्रिज खरीदा तो मैं उसके लिए सामान नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ $224 ही है। पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं खरीदने वाला हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से करेंगे और ये क्या 9 बजे तो ये सब बंद ही हो जाता है, तो ये तो हम कल ही खरीद पाएंगे। और अभी मुझे पास्ता मिल सकता है? कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो आज हम अपने डे को इधर ही खत्म करना पड़ेगा। आज हम
पहुंच गए अपने स्टोर लेवल 4 पर और $224 सबने कमाए पूरे। तो आप देख सकते हो 23 कस्टमर्स आए थे, 19 को सबका सब सामान मिल गया, बाकी को कुछ नहीं मिला। तो अपने अपन अगले दिन पर चलते हैं। और गाइस यार अभी सुबह सुबह ऑयल का प्राइस भी बढ़ चुका है, ये देखो यार 5.40 का हो चुका है, तो हम इसको बेचने वाले हैं 50 का। तो गाइस यार यहां पर इसको कर देते हैं। और भी किसी चीज का प्राइस बढ़ा है क्या? इसका नहीं बढ़ा, इसका बढ़ गया है। ओके हमको इसको $60 का बेचना पड़ेगा। और इसका क्या प्राइस है? इसका ठीक है, ब्रेड का भी ठीक है और ये आटे का भी ठीक है। अभी फटाफट से अपने स्टोर को ओपन कर देते हैं और हम अपने सबसे पहले फ्रिज लेने वाले हैं अपने लिए। यहाँ पर जाएंगे फ्रिज, लेट्स गो, परचेज डन। और ये हमारा फ्रिज यहाँ पर पूरा का पूरा आ चुका है। क्या डब्बे में आया है फ्रिज? वाओ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें लगा देना चाहिए अपना फ्रिज। कहाँ लगा है? यहाँ पर सेट कर देते हैं। और ये उल्टा क्यों कर दिया? वाओ। और कैसे फ्रिज तो हमने लगा दिया, पर यहाँ पे कस्टमर आ गए तो पहले उसको उसका सामान दे देते हैं। $11 डन। तो गाइस हमारे सुपर मार्केट का सबसे पहला फ्रिज यहाँ पर आ चुका है। और गाइस अभी आप देख सकते हो हमारे कंप्यूटर में बस बिल भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब बिल है जो सब। और ये रेंट वेंट का भी बिल आ चुका है, इसको बाद में करेंगे, पहले कस्टमर आ चुका है यहाँ पर। इसको देते हैं इसका कार्ड, $14, लेट्स गो डन। कुछ तो यहाँ पर खत्म हो गया है, इनको फटाफट से सामान दे देते हैं। और यहाँ पे कुछ तो पास्ता खत्म लग रहा है मुझे। ओके पास्ता यहाँ पर खत्म हो चुका है। $56 मेरे पास डॉलर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या मंगा जाए? एक पास्ता मंगवा लेते हैं। और अब हम अपने लिए चीज भी मंगा सकते हैं और साथ में मिल्क भी मंगा सकते हैं। तो लेट्स गो, ये सारी की सारी चीजें मंगा दी जाए। यहाँ पर कस्टमर भी आ चुके हैं, इनको फटाफट से देते हैं फिर सारी की सारी मिल्क और ये सब चीजें डाल देंगे। $1, $2, $3, $4, $50, लेट्स गो, थैंक यू सर। और ये जब तक लेता है मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, हमारे को यहाँ पे मिल्क आ चुका है। तो मिल्क हम पूरी पूरी फ्रिज में भरने वाले हैं। इनको यहाँ पर इनका चेंज देते हैं। हेलो सर कैसे हो? इनका कैश लेंगे, $1, $2, $3, थैंक यू। यहाँ पे हमारी पाउडर शुगर खत्म हो चुकी है, उसको भी मंगवाना पड़ेगा, परचेस कर लेते हैं। अभी सारा का सारा सामान बाहर पड़ा है, अभी उसको उठाएंगे फटाफट से। ये उठा लेते हैं सबसे पहले पास्ता, लगता है यहाँ पे है। यहाँ पर मैं सारा का सारा पास्ता रख दिया, यहाँ पर अपनी ये फेंक देते जल्दी से। कस्टमर आ चुका है, $1, $2, $3, इनका यहाँ पर $18 डन। तो गाइस फटाफट से ये भी हो चुका है, फटाफट से ये डब्बा खोलते हैं। यहाँ पर हमारी पाउडर शुगर आ चुकी है, ये इसको रख देते हैं यहाँ पर और इस डब्बे को हम बाहर फेंक देंगे। और ये आखिरी डब्बा है, इसके अंदर क्या है? ये शायद कॉफी हमारी यहाँ पर नहीं, तो चीज है, हमारी चीज भी यहाँ पर आ चुकी है जो कि हमने यहाँ पर रख दी। लेट्स गो, डस्टबिन में डालते हैं। कस्टमर आ गया, $1, $8, $50, थैंक यू। और अभी मुझे अपने स्टोर को बंद करना पड़ेगा, ये आखिरी कस्टमर है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम मिल्क का प्राइस है 2.40, तो हम बेचेंगे 3.40 में। तो ओके ये कर दे डन। यहाँ पर कस्टमर वापस आ चुका है, ये लो। इनको इनका चेंज देते हैं, थैंक यू। इनको पानी की बोतल चाहिए, पानी की बोतल अभी मेरे पास नहीं है। चीज की प्राइस है $4, हम इसको बेचेंगे $5 में। और पास्ता की सब प्राइस बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा महंगी, कहां महंगा, इतना सस्ता पास्ता मैं बेच रहा हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे चोको बीस सिंचाई खत्म हो चुकी है। हेरी फेकी, मैं अपने मेरी चोको भी खत्म कर दी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने थोड़ा खत्म करी है, वो ले गए मैं क्या करूँ। और गाइस अभी हम यहाँ पे अपनी चाय भी मंगवाने वाले हैं, तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, ये लेते हैं। इसमें क्या है? हमारा कॉफी, यहाँ पर हमारी कॉफी आ चुकी है, फटाफट से सारी की सारी रख देंगे। एकदम बढ़िया यहाँ पर कॉफी आ चुकी है, स्टोर को खोल के रखते हैं ताकि बीच में जो कस्टमर्स आते रहे तो पैसे भी कमाते रहे। और यहाँ पर चोको बीस भी आ गई, फटाफट से चोको बीस भी यहाँ पर सारी की सारी रख देते हैं डन। और अपनी कॉफी का प्राइस रखने वाले हैं $7, क्योंकि कॉफी यार महंगी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फटाफट से लेते हैं सारी चीजें। और हमारी सबसे पहली चीज यहाँ पर बिकने वाली $1, $2, $3, थैंक यू। और यहाँ पर और ये क्या कॉफी भी बिक गई, दो कॉफी के डब्बे लेके जा रहा, लगता है बहुत ही अमीर है। यहाँ पर देंगे इसको इसका चेंज, थैंक यू सर आने के लिए। और कस्टमर्स की तो लाइन लगती जा रही है, कुछ खत्म हो रहा है क्या? ऑयल खत्म हो गया है, रुक जाओ। यहाँ पर इसको पहले इसका दूध दे देते हैं, $6.80, थैंक यू। अब यहाँ पर अपना फटाफट से ऑयल ऑर्डर करते हैं क्योंकि मेरा ऑयल बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने मंगवा दिया अपने लिए ऑयल, फटाफट से आ भी गया है। फटाफट से यहाँ पे सारा का सारा ऑयल रख देते हैं और डब्बा यहाँ पर फेंक देंगे। पास्ता इज टू एक्सपेंसिव, यार कहाँ एक्सपेंसिव है, रुक जाओ यार, थोड़ा पास्ता सस्ता करना पड़ेगा, ये एक्सपेंसिव बोले जा रहे हैं। ये लो सस्ता कर दिया मैंने अब। ओ कितना सारा सामान लिया, थैंक यू बंटी, इतना सारा सामान लेने के लिए $26.40, थैंक यू। यहाँ पर आंटी आ गई, ये लो जल्दी जल्दी इनका लेते हैं।
चेंज इनको नहीं देना है। और गाइस सर अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रात हो चुकी है, फटाफट से लाइट भी अपनी शुरू कर देते हैं। और अभी हमारे पास यहाँ पे ब्रेड खत्म हो चुकी है और 9 बजे आपको पता है सारा का सारा बंद हो जाते हैं, तो ब्रेड में एक्स्ट्रा मंगवाने वाला हूँ अपने लिए। यहाँ पर मंगवा लेते हैं ब्रेड, डब्बे आ गए दो दो भर के पूरे, यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रेड डाल देते, कस्टमर भी आ गया, जल्दी सारी ब्रेड रखेंगे। हेलो सर कैसे हो, जल्दी जल्दी सारा का सारा इनका कार्ड लेंगे। अरे बेकी मेरे को अब मैं करूंगा। हेलो सर कैसे हो, मेरा नाम है शिनचैन नोहरा, थैंक यू सर आने के लिए। अरे अंकल मिल्क बिल्कुल महंगा नहीं है, ले लो सारा ले लो। अरे तुम्हारा मिल्क तो बहुत ही महंगा है। अरे अंकल हम आप गरीब हो तो हम क्या करें। अबे शिनचैन ऐसे नहीं बोलते। अरे बेकी मैं गरीब है ना, मैं क्या करूं। अबे सबके सब यही बोल रहे मिल्क महंगा है, लगता है सही में महंगा है, थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा। कर देते $3 का, चलो $3 का भी हमने मिल्क कर दिया, तो अपने मिल्क की सेल भी थोड़ी बढ़ जाएगी 17.50। मुझे करे दो, एक गरीब अंकल निकलो यहाँ से। अब एक तो शिनचैन बिल्कुल ही पागल है। तो यहाँ पर इनकी ब्रेड भी आ चुकी है, कैश इनका लेंगे $1, थैंक यू। इनको पानी की बोतल चाहिए, तो गाइस सब लोग कस्टमर्स कुछ ना कुछ अलग अलग मांगे जा रहे हैं। अब तो हमारे पास ज्यादा चीजें अभी है नहीं, पर आप टेंशन मत लो, अभी हम सब चीजें बढ़ाने वाले, बस थोड़े पैसे आते जाए भी सिर्फ $150 से। कॉफी अभी यहाँ पर लगता है खत्म हो चुकी है, पर इतने सारे कस्टमर लाइन में आते जा रहे हैं, मैं कैसे मंगाऊं सब चीजें। 50, 10, थैंक यू। और वो अंकल तो ऐसे ही चले गए, रुक जाओ जल्दी से स्टोर कर देते हैं अपना यहाँ पर बंद। और गाइस सुबह सबसे पहले हमें पास्ता मंगवाना है और कॉफी मंगाना है, और यहाँ पर चीज और मिल्क तो है ही, तो लगता है आज का दिन बहुत है, आज का दिन हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है Day 4 में। आज हमारे स्टोर को खुले बहुत सारे दिन हो चुके हैं, और सबसे पहले हम मंगाएंगे अपने लिए पास्ता। और बेकी में क्या मंगाना है। पास्ता अभी तो पास्ता ही मंगाना है, पर हमारे पास पैसे है तो हम और कुछ भी मंगा सकते हैं, जैसे कि अंडे मंगवा सकते हैं और पानी मंगा सकते हैं। नहीं 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 ये मत मंगवा, अभी हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है, तो फटाफट से अंडे और पास्ता मंगवा लेते हैं, इतना बहुत रहेगा। तो सबसे पहले हम अंडे लेके फ्रीजर में रख देंगे, क्योंकि अंडे सारे फ्रीजर में ही आने वाले हैं। लेट्स गो, ये रख दिया, ये डब्बा लेंगे। अबे दो दो डब्बे आ गए, क्या क्या मंगवा दिया। अच्छा ब्रेड भी तो मंगवाई थी, यहाँ पर सारी की सारी ब्रेड भी रख देते हैं। और ये यहाँ पर एक और डब्बा बचा है, इसमें सारा का सारा पास्ता है, तो इधर पास्ता भी रख देते हैं। लेट्स गो डन, इस डब्बे को यहाँ पर फेंक देते हैं, अरे जल्दी फेंक दे। और यहाँ पर हमारा सबसे पहला कस्टमर आ चुका है मिल्क लेने, सिर्फ मिल्क लेने। वैसे सुबह सुबह तो मिल्क ही मिलेगा, कॉफी इनको कॉफी भी चाहिए, कॉफी भी मंगाएंगे, पर थोड़े पैसे तो आने दो। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से कॉफी भी ऑर्डर कर ही देते हैं। यहाँ पर एक कॉफी ऑर्डर करेंगे, ज्यादा नहीं, कॉफी हमारी ऑर्डर कर दी हमने। यहाँ पर और भी कस्टमर्स आ चुके हैं, इनको देंगे इनका चेंज, इनको भी फटाफट से लेते हैं, इनको देना है इनका चेंज 25111 और डन। और यहाँ पर जल्दी जाके इस डब्बे को खोलते हैं, हमारी कॉफी आ चुकी है, बताइयो हमारे शॉप पे आ चुकी है हमारी कॉफी। इसको फटाफट से यहाँ पर रखेंगे, डब्बे को डालेंगे कनाली में। और कॉफी की प्राइस क्या रखी जाए, $10.48, इसको तो मैं बेचूंगा $12 का। लेट्स गो फटाफट चलते हैं, इनका ऑयल बेचते हैं यहाँ पर। तो गाइस सर कॉफी तो सही में बहुत ही ज्यादा महंगी, और अंडे की प्राइस हमें रखनी है, तो हम यहाँ पे अंडे की प्राइस रखेंगे $4.50। लेट्स गो, ये हो गया डन। और किसी की प्राइस रखना मैं भूलते नहीं गया हूँ, नहीं मैं सोच रहा हूँ कॉफी की प्राइस और बढ़ाने, क्योंकि इतने लोग कॉफी पीने वाले, तो कॉफी की प्राइस एक और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आ गई आंटी, अरे आंटी कॉफी वॉफी भी तो ना। ए आंटी किसको बोला, अरे आंटी को आंटी नहीं तो क्या बोलेगी, बूढ़ी औरत, मैं अगली बार कभी नहीं आऊंगी। अरे तो ये शिनचैन ऐसे कैसे बोल देता है, बूढ़ी औरत बोल रहा है उसको। तो गाइस सर अभी हमारे पास सारी की सारी चीजें सिवाय पानी की बोतल को छोड़ के, तो एक काम करते हैं पानी की बोतल ही मंगाई देते हैं। हमारे फ्रिज में एक सेक्शन वैसे भी अभी भी खाली है, तो फटाफट से ये खोलते हैं। पानी की बोतल यहाँ पर आ चुकी है, जल्दी जल्दी सारी की सारी बोतल जमाएंगे। और ये क्या, हमारे तो फ्रिज ही पूरी की पूरी भर चुकी है। पर ओ आंटी अंकल कॉफी लेने आ गए, हेलो अंकल ले लो सारी कॉफी ले लो, $26 सिर्फ दो कॉफी लिए और $26 मिल चुके हैं। यहाँ पर मिल्क हो बहुत सारी चीजें ले ली, 1950 थैंक यू, यहाँ पर भी ले ली। आ जाओ अंडे, हमारा सबसे पहला अंडा बिकने वाला है $22 थैंक यू। और अभी मैं और पानी की बोतल नहीं रख सकता, क्योंकि ये हमारा पूरा फ्रिज भर चुका है, तो हम इसको अभी इधर ही रखने वाले, तो यहाँ पर रख देते हैं। और इसके अंदर क्या एक ब्रेड क्यों पड़ी है, एक ब्रेड यहाँ पर रखेंगे, इस डब्बे को बाहर फेंक देते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा कचरा कर दिया, तो इसको उठाकर यहाँ पे रखते हैं, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। लेट्स गो, जल्दी जल्दी आ गया। हेलो आंटी कैसे हो, इनका कार्ड लेंगे 1750। अरे अंकल आप तो कल भी आए थे ना, रोज रोज का खाना लेने आते हो। अबे शिनचैन तो उनकी मर्जी, रोज आए कभी आए उनकी मर्जी ना। हेलो दीदी मेरा नाम है शिनचैन और मेरी उम्र 5 साल है, और मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे तेरे को कौन खिला रहा शिमला मिर्च, अभी हमारा यहाँ पे ऑयल खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा ऑयल मंगवा दिया जाए। यहाँ पर एक पैकेट हमने ऑयल ऑर्डर कर दिया और आ भी गया, यहाँ पर फटाफट से सारा का सारा ऑयल रख देते हैं। एक ऑयल बच गया, वाह एक एक बच जाती चीजें। और कुछ खत्म हो रहा है क्या, आटा हमारे पास पड़ा
क्या है, शुगर थोड़ी सी मंगाई लेते हैं यार। $236 हो गए। रुक जाओ, क्या हम कुछ खरीद सकते हैं खतरनाक सा? यहाँ पर पहले यार ये सारा का सारा बिल पे कर देते हैं। रुक जाओ, अब हमारे वापस से $170 हो गए। जब $200 वापस होंगे ना तो फिर हम कुछ खरीदेंगे। हम अपने सुपर मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हम करेंगे, पर कुछ एक्सटेंड करने के लिए है भी नहीं, तो यहाँ पर इनको भेज देते फटाफट से। थैंक यू सर, इनकी ब्रेड ले लो, दे दो और इनको भी इनका चेंज दे देते हैं। और हमारा यहाँ पे मिल्क खत्म हो रहा है शायद। एक सेकंड, मैं अपने पानी की बोतल पर प्राइस नहीं लगाई है। रुक जाओ, इसकी प्राइस लगाते हैं $3। और यहाँ पर अरे आंटी ऐसे ही ले रहे हो बिना प्राइस के? लियो यहाँ पर फटाफट से काट लेते हैं 15, 10, थैंक यू। इनका भी लेंगे 18.50, थैंक यू। और गाइस हमारा यहाँ पे मिल्क खत्म होने वाला है, तो फटाफट से थोड़ा मिल्क मंगा लिया जाए। अब मैं सोच रहा हूँ सामानपुर का पूरा स्टॉक भरने का, मिल्क मंगवाने वाला। और शायद मिल्क मेरे पास पड़ा है क्या पहले से? यहाँ पर क्या पड़ा है? बॉटल्स पड़ी है। फटाफट से चलते हैं, मिल्क उठाते हैं और यहाँ पे सारा का सारा मिल्क रख देते हैं। येलो यहाँ पर भी रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे सारा का सारा मिल्क। डब्बा यहाँ पर फेंक देंगे, कस्टमर आ चुके हैं। तो गाइस आज का दिन हमारा लास्ट होने वाला है। आज के लिए बहुत सारा पैसा कमा लिया हमने। यहाँ पर इनको 5, 1, 2, 8, 50, 10, थैंक यू। और भाई एक सेकंड, बहुत सारे कस्टमर आ गए। रुक जाओ, पहले थोड़ी लाइट चालू करनी चाहिए, कुछ दिखाई नहीं दे ढंग से। अंकल काट दो $24, डन। वापस से काट दो $19.50, डन। हेलो आंटी कैसे हो? ये लो सारा सामान, कैश दे दो 50, 10, 5, 1, 2, 3, डन, थैंक यू। तो गाइस 7:30 ऑलरेडी बज चुकी है, 9 बजे हमारा स्टोर बंद करने का टाइम होता है। मेरे पास आटा नहीं, तो जल्दी से मंगा लेता हूँ वरना फिर ये आएगा नहीं। आटा हमने मंगा दिया। और हमारे पास क्या खत्म हो रहा है? अरे यहाँ पर कुछ तो रखते थे, चोको भी खत्म हो गई। अरे फेंकी भी है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, हमारी चोको भी कैसे खत्म हो सकती है? अरे सॉरी सिंचा, मैंने देखा नहीं। अरे ये तो नहीं चोको भी आंटे अंकल लेके जा रहे, सारे के सारे चोको भी। यहाँ पर $23, थैंक यू। सारा का सारा सामान आ चुका है, उसको फटाफट से उठा लेते हैं बाहर से। यहाँ पर सारी की सारी चोको भी रखेंगे, डब्बे को फेंकेंगे और अंकल को यहाँ पर सारा का सारा सामान देंगे। थैंक यू अंकल, जल्दी जल्दी चलते हैं, सारा का सारा सामान उठाएंगे। और यहाँ पर अभी हमारा आटा भी आ चुका है, सारा का सारा आटा रख देंगे। डिस्प्ले हमारा फुल हो गया, ऑयल हमारा एक डब्बा बचा है। अरे ऑयल एक भी नहीं बिका अभी तक, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर रखते हैं। ये लो ऑयल तो हमारा बिल्कुल ही बिक ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार। ऑयल इतना अच्छा ऑयल था मेरा यार, पता नहीं। ऑयल पर महंगा भी तो बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए हो सकता है कम बिक रहा हो। ये क्या, इनको सिर्फ एक अंडे की ट्रे चाहिए, थैंक यू। तो गाइस यार यहाँ पर 9 बज चुकी है, पहले अपने थोड़ा स्टोर को साफ सफाई कर दें, क्योंकि मैंने हर चीज ऐसे ही फेंक दिया है। मिल्क बाहर क्यों रख रखा है मैंने, इसको यहाँ पर रखेंगे, डन। ऑयल अभी हमारा एक भी बिका नहीं है, इसको यहाँ पर रख देते हैं, ये भी डन। मिल्क इसके ऊपर एक, ये इस खाली डब्बे को भी उठा के रख देते हैं। अरे अंकल को पता नहीं क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे, कुछ लिया भी नहीं, ऐसे जा रहे हो। यहाँ पर इनको सिर्फ पास्ता ही चाहिए, 3.70, थैंक यू। तो गाइस और अभी हमारे पास $375 यहाँ पर हो चुके हैं। वैसे तो मैं अपने स्टोर को बड़ा कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है अभी मतलब नहीं, क्योंकि अभी आधे अभी जितना है उस स्टोर को तो भर लूं, पहले ही बड़ा करने का क्या मतलब है। पानी की बोतल खत्म हुई है क्या? पानी की बोतल एक्स्ट्रा पड़ी मेरे पास, यहाँ पर रख लो सारी की सारी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत होगा, और अभी जाके मैं देख लेता हूँ हमारा क्या है। $350 का भाई, एक ही बारी में सारा का सारा पैसा जाएगा $350 में, पर खरीद ना तो पड़ेगा। तो 3, 2, 1, अरे फिक्की में बताई हो। और गाइस आप देख सकते हो हमारा स्टोर यहाँ पर बड़ा हो चुका है, पीछे हमारे पास और भी जगह आ चुकी है। तो इन सबको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, फिर आज का डे हम करेंगे इधर ही खत्म। इसको उठाते हैं, यहाँ पर लेकर जाते हैं, और इसको भी उठाएंगे और यहाँ पर रख देते हैं। इनको बिल्कुल ढंग से मैच करके रखना पड़ेगा, और ये डन। और ये फ्रीजर को मैं सोच रहा हूँ कहाँ रखा जाए, यहाँ पर मैं और शेल्फ रख सकता हूँ, तो यहाँ पर अपन फ्रीजर को सामने इधर रखेंगे, सारे के सारे फ्रीजर्स को इधर ही रखेंगे। और गाइस अब मुझे यहाँ पे लाइट्स भी चाहिए होगी, पहले कम से कम लाइट्स की दिक्कत तो नहीं थी, अब तो लाइट्स की भी दिक्कत आने वाली है। और मैं उसको थोड़ा सा और पीछे रख सकता हूँ, तो और रख लेते हैं, जितनी ज्यादा जगह मिले उतना अच्छा। तो यहाँ पर इसको रखेंगे, ऐसे करेंगे, डन। और गाइस आप देख सकते हो हमारा स्टोर बहुत ही मस्त हो चुका है, बहुत ही बड़ा, और इसको भी हम इलाके थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, ताकि यहाँ पे और भी ज्यादा जगह बन जाए। तो गाइस आज हम अपने स्टोर को बंद करते हैं, और आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, सुपरमार्केट बड़ा बड़ा लिखा यहाँ पे आ चुका है। इसको करते हैं क्लोज, और आज के दिन को करते हैं यहाँ पर फिनिश। तो गाइस आज हमने टोटल 20 कस्टमर्स को उनका सामान दिया, $460 की इनकम थी, उसमें बहुत सारी चीजें खरीदी। तो अभी हमारे पास है $25 हमारे बैंक अकाउंट में, और आज है अपना अगला दिन हमारे स्टोर का। सबसे पहले मुझे पता चला है कि आज यार प्राइस बढ़ चुकी है शुगर की, सिर्फ अपने यार सारी की सारी चीजें को रिस्टॉक करते हैं फिर आज का खत्म करते हैं। तो फटाफट से अपन शुगर मंगा
मंगाएंगे, यहाँ पर शुगर उठाएंगे। आज के लिए इतना सही। हाँ शिनचैन, बस इतना ही। फटाफट से सारी की सारी शुगर यहाँ पर रखेंगे, डब्बा यहाँ पर रखेंगे। प्राइस देखते हैं 5.80 की हो चुकी है, तो हम इसको 6.80 का कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये डब्बा उठा के डालेंगे कचरे में, और लगभग सारी की सारी चीजें तो पड़ी है। चीज मंगा ली है, रुक जाओ, चीज भी मंगा ही लेते हैं। अभी मेरे पास लगता नहीं मेरे पास चीज जितना पैसा है क्या, नहीं है, $6 बस बचे। कोई बात नहीं, ये सब करेंगे। तो गाइस आज हम अपने स्टोर को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लिया है। हमारे पास मिल्क आ चुका है, चीज, एग्स, पानी की बोतल, कॉफी, चाय, सब का सब आ चुका है। तो हमारा स्टोर बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। हमें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट बनाना है। उसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। एनीवे की मेरे को मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है, बोल ले, मैं जा रहा हूं। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, पता ना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और ये दीदी बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।